नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर त्योथर तहसील मुख्यालय पचामा में चिल्ड्रेन एकेडमी हाई स्कूल संचालित हो रहा है। विद्यालय भवन 3 मंजिल में बना हुआ है। मेन गेट के पास ही यूनियन बैंक पचामा की शाखा संचालित हो रही है, जहाँ पर काफी भीड़ भाड़ बनी रहती है और काफी शोर गुल होता रहता है, जिससे बच्चों का दिमाग इधर उधर घूमता है। बच्चों की पढ़ाई पर इस शोर गुल का सीधा असर पड़ रहा है। विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है, जिससे यह विद्यालय कम रेस्टोरेंट ज्यादा दिखाई पड़ता है। बिना खेल मैदान के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालय को मान्यता किस आधार पर दिया गया, जो मानक को पूर्ण नहीं कर रहा है? यदि सही तरीके से चिल्ड्रेन एकेडमी हाई स्कूल पचामा त्योथर की सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए, तो विद्यालय की अनियमितता पूर्ण दी गई मान्यता की पोल खुलती नजर आएगी। देखने वाली बात होगी कि विद्यालय भवन में संचालित यूनियन बैंक पचामा की शाखा को अन्यत्र कब शिफ्ट किया जाएगा। यह तो वक्त ही तय करेगा। जिला कलेक्टर रीवा एवं जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालय की जांच कब करेंगे, जो विद्यालयी शिक्षा के मानक को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, या इसी तरह लिन मानक के विद्यालय संचालित होते रहेंगे। ऐसे विद्यालय संचालकों को किनका संरक्षण प्राप्त है, जो मनमानी तरीके से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो जांच का विषय है। तहसील चीफ कमलेश शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। आपकी खबर हमारी नजर के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।